हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वायरलेस ईयरफोन्स के बारे में, जहां पर गाइज हमें ईयरफोन्स चाहिए होते हैं एक बजट प्राइस रेंज में और काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो यहां पर Realme कुछ यूनिक डिज़ाइन के साथ लेके आया था, जहां पर हमें सेम एयरपोर्ट्स की तरह एग्जैक्ट डिज़ाइन के ईयरफोन्स, यहां पर एयरपोर्ट्स हमें जो वो Realme ने प्रोवाइड किए थे। काफ़ी अच्छा यहां पर जो वो प्रोडक्ट था, उसकी प्राइसिंग भी लगभग गाइज 4000 थी, बट उसकी जो साउंड क्वालिटी थी वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बट अगर गाइज उस प्राइस रेंज को अगर हम कंपेयर करें तो वो उस प्राइस रेंज में काफ़ी कमाल का था। बट हम मिडिल क्लास लोगों के लिए गाइज वो 4000 रुपीज़ किसी ईयरफोन्स को पे करना भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर गाइज कम बजट में ईयरफोन्स चाहिए होते हैं, बट बेस्ट आउटपुट के साथ। तो यहाँ पर गाइज वन प्लस लेके आया है वन प्लस बुलेट्स जेड वायरलेस ईयरफोन्स, जो कि गाइज आपको 2000 रुपीज़ में मिलते हैं और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के साथ आता है। इसकी डिज़ाइन जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, और इस डिवाइस का जो USP है वो ऐसा है गाइज, यहाँ पर अगर आप सिर्फ 10 मिनट के लिए इस डिवाइस को अगर चार्ज करते हो तो आपको 10 घंटे तक का इसमें बैटरी बैकअप मिलेगा। आप 10 घंटे तक इससे म्यूज़िक कंटिन्यूसली गाइज यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। और उसी के साथ ये जो वायरलेस ईयरफोन्स है वो नेक बैंड डिज़ाइन के साथ आते हैं, और इसमें भी एक कमाल का यूनिक फीचर दिया गया है, जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड भी देखने को मिलता है। अगर आप उस मैग्नेटिक फील्ड से दोनों ही ईयरफोन्स को अगर अटैच करते हो तो अपने आप गाइस जो म्यूज़िक है वो स्टॉप हो जाएगा। आपको यहाँ पर कोई भी गाइस बटन्स को ऑपरेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और जब भी गाइस आप उसे नेक बैंड से अलग करते हो तो आपका जो म्यूज़िक है वो फिर से चालू हो जाएगा। अगर इसके मीटर की बात करें, इसके रेंज की, तो यहाँ पर हमें 10 मीटर तक की अच्छी खासी रेंज देखने को मिलती है, और ये काफ़ी इजी एक्सेस भी है, जहाँ पर आप अगर किसी भी डिवाइस के साथ इसे पेयर करते हो तो ये कुछ ही सेकंड्स में गाइज ये पेयर हो भी जाएगा। इसी के साथ इसमें हमें 9.2 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी पावरफुल बेस भी देखने को मिलता है, वोकल भी काफ़ी क्लियर है, और यहाँ पर जो ऑडियो आउटपुट होगा वो डेफिनेटली काफ़ी कमाल का होगा। उसी के साथ अगर इसके हम और भी स्पेशल फीचर्स की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है गाइज ऐसा कोई भी ईयरफोन्स नहीं जहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, जो कि आपको इस डिवाइस में मिलता है। और ये काफ़ी फ्यूचर को ध्यान रखते हुए गाइज यहाँ पर वन प्लस ने प्रोवाइड किया है। तो आगे जाके गाइज टाइप सी हमारा सब कुछ होने वाला है, तो यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, और वही अगर आप इसे 10 मिनट तक चार्ज करते हो तो 10 घंटे तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। साथ ही में आपको इसमें वाटरप्रूफ भी देखने को मिलता है ये डिवाइस, तो अगर आप जिमिंग करते हो या तो आप रनिंग के लिए जाते हो तो किसी भी प्रकार से अगर आप वाटर से अगर कांटेक्ट भी हो जाता है आपके डिवाइस का, तो यहाँ पर कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी। अगर आप ज़्यादा स्वेटिंग भी करते हो तो उसमें भी आपके ये डिवाइस को कुछ भी होगा नहीं। अगर आप इसे पूरा के पूरा पानी में अगर डुबो भी दोगे तो उसमें भी गाइस इसमें कोई भी तकलीफ़ नहीं आने वाली है। काफ़ी अच्छे डिज़ाइन का है, और स्पेशली गाइस इसके अगर प्राइसिंग को देखें तो काफ़ी एग्रेसिव प्राइसिंग रखी गई है, तो वो है 1999। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपको चेकआउट करना है। और भी कुछ ज़्यादा गाइस मैंने यहाँ पर बेस्ट बजट जो है वो ईयरफोन से वो मैंने शॉर्ट आउट करके आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ी है, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद।